कमलनाथ सरकार में मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने अमेरिका में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भारत के पैसे से ट्रंप का प्रचार करने अमेरिका गए हैं, वहां राष्ट्रपति चुनाव होना है, और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि योजनाबद्ध तरीके से भारत को अमेरिका के हाथों में सौंपा जा रहा है। वहीं हनी ट्रैप मामले को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग इस मामले में सीबीआई से जांच चाहते हैं, लेकिन ई टेंडरिंग घोटाले की जांच सीबीआई से नहीं कराना चाहते। मंत्री ने कहा कि बीजेपी को पता है कि हनी ट्रैप का मामला सीबीआई के पास पहुंचेगा तो बीजेपी के लोग बच जाएंगे। राष्ट्रपति के लिए वोट मांग लिए हमने, ये देखिए किस तरीके से प्लानिंग होती है। कहते हैं कि बहुत भीड़ इकट्ठी की गई, एक प्लानिंग के तहत हम जाके अमेरिका के राष्ट्रपति का जाके प्रचार कर रहे हैं वहां पे इलेक्शन के टाइम में। पूरे भारत को किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से अमेरिका के सुपुर्द करने की कोशिश की जा रही है।